सरपट बताया जा रहा है, सबका सब खुल चुका है। शुरुआत मेरे से हुई थी, धीरे धीरे करता आप देख सको, पूरा गांव का आसपास का लोग अठे आ चुके हैं, एक मेलो जो भर चुके हैं अठे। आप आइसक्रीम, बादाम शेक, पानी पतासा लेन, कचोरी तक हर तरह स्टॉल्स लग चुकी है। इतनी उम्र में भी अठे आयो, कोई मतलब खतरो नहीं है अठे कुछ? की खतरा की कोनी, आज तक खतरा कोनी। और बहुत ही लोगों को फायदा होगा इसमें, 10-15-20 गांव तो आगे पानी सप्लाई रही खेती वास्ते, और आस पास पूरा जितना गांव रहा बेरा कुआ है सब रिचार्ज भेजिए, पुल मीठा पानी भेजिए सब। मैंने जीवन में पहली बार इस बांध को इतना भरा हुआ देखा है। किसानों के अंदर चेहरे जो खिले हुए हैं, 20-20 सालों से 25-25 सालों से बेरों में पानी नहीं था, उन बेरों के अंदर पानी आना शुरू हो गया है। ये जो बांध है अपनी संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी के कारण प्रसिद्ध है। अपने पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हम बांध कह सकते हैं, जो अरावली नागपाड़ियों से लेके कच्छ के रण तक का एक संयोजक के रूप में इस बांध को देखा जाता है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल, और हमारे मैं हूं बिलाड़ा के पास में पिछिया गांव में, और वही जगह जट है जसवंत सागर बांध है। आपने बता दूं कि इन बांध से काफी गांव काफी शहर जो अपनी प्यास बुझाया करे, लेकिन आपने बता दूं कि 2007 के बाद 2024 में इन बार इन आप देख सको पूरा भर चुके हैं और ये चादर चलने लगी है। फिलहाल अटे काफी लोग हैं जो देखना है दूर दूर से, यहाँ से बात करूंगा। और आपने बता दूं कि इन बार जो बारिश हुई है उनसे आसपास का जो गांव है वहां में एक जश्न को माहौल है, ढोल धमाका से लोग बहुत जश्न मना रहे हैं, इन्हें भगवान की कृपा मान रहे हैं। लेकिन कटे न कटे जो प्रशासन हमारे हिसाब से अठे रोक लगा रही है कि आप नेड़ा मत जाओ अठे, क्योंकि अठे खतरा हो सके, और आसपास के गांव ने भी अलर्ट कर दिया कि अगर ज्यादा पानी ओवरफ्लो हो गयो तो बारे भी आ सके। फिलहाल कुछ लोग अठे यहाँ बात करा ला। आपका शुभ नाम? चमन प्रकाश सिरवी सर। चमन जी, आप अठे पास गाँव रहो? हाँ सर, मैं बिलाड़ा से हूँ सर। यहाँ से 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है बिलाड़ा, और वहाँ से हूँ सर मैं। ये जो जसवंत सागर बांध जो है सर, इसका जो आउटफ्लो है वो 26.5 फीट का है, तो इसको भरने में मतलब 10-12 दिन का समय लगा था, लेकिन मतलब काफी वर्षों बाद 17 साल बाद ये इसका चादर चल रही है। पब्लिक और जनता में बहुत ही इसमें मतलब खुशी की लहर है, और किसानों के अंदर चेहरे जो खिले हुए हैं, आसपास बेरों पे भी देख रहे हैं कि बेरों पे भी पानी, जो 20-20 सालों से 25-25 सालों से बेरों में पानी नहीं था, उन बेरों के अंदर पानी आना शुरू हो गया है। तो ये मतलब बेरों को रिचार्ज करता है, कुओं को रिचार्ज करता है, ट्यूबवेल्स वगैरह, इसमें वाटर लेवल जो है ग्राउंड वो उससे बढ़ रहा है, और मतलब ये अगर थोड़ा दिन और इसकी चादर चली तो यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होगी और बहुत खुशी की बात होगी। प्रमोद नाम है सर मेरा, मैं यहाँ का ही हूँ पिछिया का। मेरा बेरा इधर आसाम नहीं है, इस पानी से हमारे बेरे का वाटर लेवल बहुत ऊपर आएगा, इससे किसानों में बहुत खुशी की लहर है। लेकिन अगर ज्यादा पानी होगा तो फसल में या फिर गांव में कोई नुकसान की बात नहीं है? नहीं, अभी ये पानी इतना नहीं है कि फसलों का नुकसान करेगा, ये नदी के लेवल तक ही सीमित रहेगा। लेकिन आसपास जो मतलब कुछ और भी गांव है जैसे मतलब पानी बारिश ज्यादा आई है इन कारण से पानी फसल खराब हो गई है, तो कटे कटे कहीं किसानों ने नुकसान भी इन बार बारिश के बाद? तो सरकार को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार उनको मुआवजा देगी। पूरा गांव का आसपास का लोग अठे आ चुके हैं, एक मेलो जो भर चुके हैं अठे। आप आइसक्रीम, बादाम शेक, पानी पतासा लेन, कचोरी तक हर तरह की स्टॉल्स लग चुकी है, इतना ज्यादा उत्साह है लोगों के अंदर। कुछ और भी अठे चाचा है, यहाँ बात करा। आप लोग का नाम है? अहमद सईद। एमएस सही साहब, आप देख सको तो मेड़ो भर गया एकदम से, आपके चेहरा पे एक मुस्कुराहट दिख रही है, मैंने चेहरा पे खुशी है, तो आपके कहना आपको कहना इन बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, बहुत दिनों से यहाँ पानी देखा है और सब लोग आ रहे हैं, पानी आ रहा है और बहुत यहाँ पे एकदम मेरा जैसा माहौल है, यहाँ पे आइसक्रीम सब मिलती है, सब चीज मिलती है, जलेबी वगैरह, पानी पतासा, आइसक्रीम सब मिलती है यहाँ पे। अच्छा, हर चीज भी है। कब तक मिलेगा? 10 दिन तक मिलेगा। जलेबी कचोरिया सब मिलेगा। कई खास है, आप इतनी उम्र में भी उठा आयो, कोई मतलब खतरो नहीं है कुछ? की खतरा की कोनी, आज तक खतरा कोनी। काले तो मैं देखे एक वीडियो, पुलिस वाला डंडा मारता लोगों ने। नहीं आते ना, काले ठा कोन माने, आज तो कोनी आ जा भाई, मैं तो आज ही आया हूं तालाब के अंदर, तो परसों गए थे हम। अच्छा, वो अंदर जाके सुनाया? अच्छा, ना ना तो आप देख सको लोग ना ना रहे थे, तो मतलब गंगा सागर आप बैठे आए क्यों? हाँ,
अंदर का माहौल चल रहा है, कितनी भीड़ है कुछ बता सकते हो? बहुत जोरदार शानदार माहौल है, लोगों ने 2007 में भरा था, उसके बाद में अब वापस भरा गया है, तो बहुत लोगों में खुशी है और बहुत ही लोगों को फायदा होगा इसमें। आप कौन सी बार देख रहे हो जो बेटा पूरा रपट मतलब भर चुका है और पानी आ रहा है? मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है। ये 17 साल से यहाँ पानी आया है तो सब खुशी मना रहे हैं, ऐसे डर वाली कोई बात नहीं है। वो अंदर जाते तो डर रहते ही है, वो तो फिर पुलिस चले। बताओ मारवाड़ी में पूछू आपने मेलो कितना दिन तक चलेगा? जब तक ये पानी आएगा तब मेला कैसे रहेगा? मेला चाल ही होता जो पानी हाल तेज आए नहीं तो और चाल ही मेला था। पहली बार कब देखा? 79 में, 79 में, तीन फीट चादर चली थी। हाँ, उसमें बाढ़ आई थी, उन्हें बाद 2007 में भी तो आई थी। 2007 में फूट गया वो, भर गया पर फूट गया, चादर चल के फूट गया, पाल लेमेज हो गई पीछे। अब इन बांध पूरा भरवा से क्या क्या फायदे है अब जनता ने बता? 10-15-20 गांव तो आगे पानी सप्लाई रही खेती वास्ते, और आस पास पूरा जितना गाँव रहा बेरा कुआ है सब रिचार्ज भेजिए, पूरा पानी पुल मीटर पानी भेजिए सब। आप कौन सा गाँव है? हमारा गाँव बेरा है। देख सको बाहर चेहरा पे एक खुशी है, एक चमक है, और आप सबका चेहरा देख सको, सबका चेहरा खिला खिला है। एक किसान ने खुशी तो रहनी है, खुशी तो रहनी ही रहनी है। 15 साल तक रही, हाँ 15-20 साल तक रही खुशी, भाई आज ही ऐसा माहौल तो 15-16 साल का बच्चा तो ये पहली बार देखा है ना। 17 साल हो गया ना मेरी, लगभग 43 साल मेरी एज है। मैंने जीवन में पहले बार इस बांध को इतना भरा हुआ देखा है, और इस बांध से लगभग 12 गांव के लोगों को फुल फायदा होगा, खूब सारी फसलें होगी और खूब सारे लोग आराम से जी सकेंगे। और लगभग 24 किलोमीटर की दूरी तक इस बांध के भराव से सारे कुएं के अंदर पानी आ जाएगा और रिचार्ज हो जाएंगे, मतलब ये स्थिति इस बांध से हो जाएगी, सारे कुएं रिचार्ज हो जाएंगे। ये भगवान को ही धन्यवाद दे सकते हैं, और किसको तो दे सकते हैं, बस इंद्र देवता को भी देते हैं और किसको देंगे। बस लागे इन गाँव में इलाका में लोग बरस भर इंद्र राजा को ज्यादा ही सुन लिया है। जिस दिन इसकी चादर चली थी तो सारे गांव के लोग आए थे और बड़ी धूमधाम से गंगा माई का स्वागत किया था और चादर वगैरह सब उड़ाई थी पूजा पाठ करके, फिर ये चादर और गेर का नृत्य हुआ था खूब सारा यहाँ पर। ये जो बांध है अपनी संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी के कारण प्रसिद्ध है। इसकी भराव क्षमता 26.5 फीट में है, 26.5 फीट के बाद ये इस पर चादर चलती है, और इसमें मेन जो मुख्य नदी है वो लूणी नदी है, जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से पानी आता है, अजमेर के आना सागर से जो गोविंदगढ़ के बीच पानी आता है उसको सागरमती नदी बोलते हैं, वहां से गोविंदगढ़ से आगे से इसको लूणी नदी बोला जाता है। गोविंदगढ़ से आलनेवास, आलनेवास से रियाबड़ी, जसनगर, आनंदपुर, काड़ू, लौटोती, कानेचा, निबोल होते हुए ये नदी यहाँ जसन सागर बांध में गिरती है। इसकी एक सहायक नदी है जो रास, बाबरा, आसलाई, मोराई वहां से मिलके एक बांजाकुड़ी नदी के अंदर गिर के, ये बांजाकुड़ी नदी है निबोल और कानेचा के बीच में एक बिकड़लाई गांव है, वहां से ये उस नदी में मिलती है और अपना एक बहुत तेज बहाव वाला वेग लेते हुए इस जसन सागर बांध में गिरती है और उस बांध को भरती है। ये 17 सालों के बाद भरा है तो किसानों में बहुत खुशी का माहौल है। इस बार प्रशासन भी तैयारी में है कि इसको, इस पानी को सिंचाई में दिया जाए, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये काफी टाइम लाइम, इसके नीचे लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन 17 सालों से खाली होने के, इसका तल खाली होने के कारण कितना रिसाव करता है पानी। और जहां तक पुराने हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि इस पानी से जो ग्राउंड लेवल है वो काफी हद तक ऊपर आता है, वो अभी तो एक बार तो उनका रिसाव होगा पानी का, सही लेवल आने में 2 से 3 महीने लगेंगे इसमें। इन बार जो आप देख सको कि बरसात बहुत ज्यादा हुई है तो कई कारण लग रहे हो आपने कि इन बार वर्षा ज्यादा हुई है, और आपने बता दूं कि बताया जा रहा है कि अक्टूबर तक कोई माहौल रहेगा और इन वजह से इन बार सर्दी भी कुछ ज्यादा तेज कड़ाके वाले पड़वा वाली है। बिल्कुल भाई साहब आपकी बात सही है, जो बारिश हुई है तो इससे मतलब थोड़ा गर्मी का माहौल कम होगा और 10 अक्टूबर तक मानसून की वापसी बता रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार, 10 अक्टूबर तक वापसी हो सकती है, उससे पहले एक दो और बता रहे हैं बारिश का, उसमें देखना है अब कितने क्या बारिश होती है। और जो अजमेर की जो मुख्य लूणी नदी है 40 वर्षों से इस बांध में इस बार मिली है। या मैं श्री आई माता जी की जो पावन नगरी है बिलाड़ा, वहाँ का रहवासी हूँ, और ये हमारा सहयोगी गांव बिलाड़ा उछेड़ा पिचियाक जो है
उसमें अपने पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हम बांध कह सकते हैं, ऊंचा तो नहीं कहूंगा मैं बट सबसे बड़ा बांध कह सकता हूँ, जो अरावली नागपाड़ियों से लेके कच्छ के रण तक का एक संयोजक के रूप में इस बांध को देखा जाता है। अन्य बांधों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे जवाई बांध है या अन्य छोटे जैसे गिरी बांध है, गजनी बांध है, ये एक सागर के रूप में जाना जाता है। ये हमारा जो बांध है पिचिया का, ये हमारे लिए बड़े पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ के लिए हम कह सकते हैं मारवाड़ का बड़ा सरोवर है। इसमें लगभग 12 कोस दूरी जिसको अपन मान सकते 30 से 35 किलोमीटर रेंज में ये पानी स्टोर रहता है। हाइट इसकी कम है, 25 से 26 पॉइंट कुछ फिट पर इसका ओवरफ्लो है। इसमें हमारे जहाँ कलौना से लगाकर जितने भी बीच में रायपुर बेल्ट के ब्यावर बेल्ट के जितने भी गांव हैं वहाँ से बहने वाले, वहाँ से जितने भी सरोवर है, तालाब है, बांध है, उनका ओवरफ्लो का जो पानी है वो उसका जो लास्ट स्टोरेज कह सकते हैं, जो बड़ा संग्रहण केंद्र हम कह सकते हैं, वो हमारे ये अपना जसवंत सागर बांध है। इसका जो मुख्य उद्देश्य या बनाने का जो उद्देश्य रहा है, यहाँ के जो पश्चिमी राजस्थान जो मरु राजस्थान यानी रेगिस्तान के रूप में जाना जाता था, वहाँ पे लोगों के कृषक लोगों की सिंचाई के लिए इसको मुख्य रूप से मुख्य वितरिका के रूप में इसको माना गया है। यहाँ से लगभग बालोत्रा तक जितने भी बिलाड़ा से लगा के बालोत्रा तक जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों के अंदर सिंचाई के लिए वितरिक नहरें बनी हुई है। तो ये लगभग 17 वर्षों के बाद में ओवरफ्लो हुआ और माना ऐसा गया 1979 के बाद में कच्छ के रण तक इस सागर से जो पानी है कच्छ के रण तक पहुंचेगा लूनी नदी से होकर। अब जो इन बार जितो बरसात हुई है, जो बांध भर चुका है, तो आपने क्या लगा कि मतलब कितना साल रो कोटो पूरा हो गया पानी रे वास्ते? अभी 17 वर्षों बाद में पानी आया है, तो संभवतः 3 से न्यूनतम मैं मानना चाहूंगा 3 से 5 वर्षों के लिए जल संग्रहण की क्षमता है जरूर बढ़ी होगी इस पाताल की। हम कह सकते हैं कि जो पानी अंदर गया है वो 3 से 5 वर्षों के लिए अच्छा संग्रहण रखेगा। कृषक भाइयों के लिए एक अच्छी ये खुशखबरी होगी कि वो 3 से 5 वर्षों के लिए अच्छी सिंचाई कर सकेंगे। 2007 में 17 वर्षों पहले यह लीकेज हो चुका था और इसमें जितना भी पानी स्टोरेज हुआ था वो सारा बह चुका था, व्यर्थ रूप से बह चुका था। तो थोड़ा हमारे लिए संशय भी था, लेकिन इस बार हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पानी ओवरफ्लो तक पहुँचा है और आगे के जितने भी गाँव हैं उन किसान भाइयों के लिए जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहेगा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वो अरे जितना भी गेट है लगभग सारा सब खुल चुका है, 32 रपट है और 32 रपट मतलब वाइड भी है ये एरिया काफी, और 32 रपट में ही फ्लो पहले शुरुआत में 3 से 4 रपट पर पानी चला और अभी आज देख रहे हैं आज मॉर्निंग से 32 रपट पर अच्छा आधे फीट की चादर इस पे चल रही है, जो कि मेरा मानना है कि एक तो फ्लो पानी जो बह के चला जाता है उससे बेहतर है कि एक स्थिर धारा के साथ में ये पानी बह रहा है, जो नदी में जितने भी ट्यूबवेल्स है आसपास के जो सराउंडिंग बेरे है खेत है वो उस मिट्टी के जल उस जल को एब्जॉर्ब मिट्टी में कर सके, तो ये अच्छा है, ये सिंचाई के लिए देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है इसका उपयोग। तो फिलहाल के लिए आप देख सको काफी सारा लोग है जो पिछा गाँव और पिछा गाँव के आसपास का बिलाड़ा का है, काफी खुशी की लहर है, किसानों के वास्ते भी खुशी की लहर है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसान ने चाहिए कि जल और जल से ही जीवन है। और काफी साल बाद आप देखो जसवंत सागर बांध में आपने दिखा सको थोड़ा आगे लाके आप देख सको इन जगह 32 रपट बताया जा रहा है, सबका सब खुल चुका है, शुरुआत बड़े से हुई थी। अब लोहे की गाटर देख रहे हैं, इसके अंदर सिंचाई के लिए पाटे लगाए जाते थे पानी का वेग कम होने के साथ में, जब पानी का वेग कम हो जाता था तो इसमें पाटे लगा के इस पानी को और स्टोरेज किया जाता था, ताकि जो पानी भूमिगत होना था वो हो जाता था और बाकी का जो पानी का लेवल बढ़ जाता उससे सिंचाई होती थी। सिंचाई के लिए इसमें एक मुख्य टनल है, उस टनल में से आगे एक मोरी लगी हुई है, मोरी से 2 नहरें विभाजित होती है,